हेलो दोस्तों, वेलकम टू डिजिटल एक्स वाई जेड। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से आप अपने डोमेन नेम को कनेक्ट कर सकते हैं क्लिक फनल्स अकाउंट से। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आपको अपना ब्राउजर खोल लेना, और ब्राउजर में आपको क्लिक फनल्स खोल लेना। तो ये देख सकते हैं, मैंने क्लिक फनल्स खोल लिया। उसके बाद यहाँ पे आपको ऊपर जाना है और यहाँ पे अकाउंट सेटिंग्स में जाना है। अकाउंट सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे कुछ इस तरीके का इंटरफेस रहेगा। तो आपको थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना है, और नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे डोमेन्स पे जाना है। डोमेन्स पे जाने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे ऐड न्यू डोमेन का ऑप्शन आएगा, उस यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे दो ऑप्शन आएंगे, रजिस्टर्ड न्यू डोमेन और ऐड योर ओन डोमेन। अगर आपने डोमेन नेम नहीं खरीदा तो यहाँ से आप इजीली जो है डोमेन नेम बाय कर सकते हैं। अगर आपके पास पहले से ही डोमेन नेम है तो आपको ये सेकंड वाला ऑप्शन क्लिक करना है, यूज एन एग्जिस्टिंग डोमेन। इस पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको अपने डोमेन नेम का नाम डालना है, तो मैं नाम डाल देता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने अपने डोमेन नेम का नाम डाल दिया। उसके बाद ऐड डोमेन पे क्लिक कर देना है। ऐड डोमेन पे क्लिक करने के बाद जो है लोडिंग होगी और आपका एक, तो दोस्तों देख सकते हैं आप डोमेन नेम हमारा कनेक्ट हो चुका है। उसके बाद जो है यहाँ पे हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे जिससे हमारा डोमेन नेम जो है वेरीफाइड हो जाए। तो यहाँ पे जो इन्होंने ये लिंक दिया है इसको हमें कॉपी कर लेना है। तो इस वीडियो में मैं आपको नेम चिप से बता रहा हूँ। अगर आपका गोडैडी पे है या कहीं और पे है तो मैं उसके लिए भी एक वीडियो बना दूंगा, अगर आपको उसका भी सीखना है। तो अभी जो मेरा डोमेन नेम है वो नेम चिप पे है, तो इसलिए मैं इसका बता रहा हूँ आपको। तो आपको नेम चिप अकाउंट खोल लेना अपना, और नेम चिप में आपको एडवांस डीएनएस पे आना है। एडवांस डीएनएस पे आने के बाद थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पे ऐड न्यू रिकॉर्ड्स पे क्लिक कर देना है। ऐड न्यू रिकॉर्ड्स पे क्लिक करने के बाद हमें थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पे सी नेम रिकॉर्ड पे क्लिक करना है। सी नेम रिकॉर्ड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे होस्ट में डालना है www, और उसके बाद टारगेट में जो हमने वहाँ से लिंक कॉपी किया था वो यहाँ पे डाल देना है। यहाँ पे ऑटोमेटिक पे सेलेक्ट करके क्लिक कर देना है यहाँ पे यस पे। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे ये यह हमारा जो सीन है वो कनेक्ट हो चुका है। अब हमें वहाँ पे जाना है और यहाँ पे क्लिक कर देना है आई हैव डन दिस स्टेप। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो डोमेन है वो इजीली कनेक्ट हो चुका है। अब यहाँ पे हम किसी भी फनल के थ्रू उसको कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको जस्ट शो मी माई डोमेन्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी अनवेरीफाइड आ रहा है, लेकिन कुछ समय बाद आप देखेंगे यहाँ पे वेरीफाइड आ जाएगा। तो इसी तरीके से आप सिंपली अपने डोमेन नेम कनेक्ट कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। अगर कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक शानदार टॉपिक के साथ। थैंक यू।